नहीं नहीं ये फलाना जात जो है ना उससे लड़ाई करो, वो फलाना जात है ना ये इससे लड़ो। तो क्या फलाना जात फलाने जात से लड़ करके खेत में सिंचाई होगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, स्वास्थ्य का इलाज होगा? होगा क्या? आपस में बटेगा, कलह में फंस जाएगा और जो पाया है वह भी चला जाएगा। यह भी एक तरह का इस व्यवस्था को खत्म करने का साजिश ही है। उनका विचार रही तो कहेंगे उपेंद्र यादव जैसा मधेश को पहचान दिलाने वाला लोग भी सदन को चाहिए। 12 जिला के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जनता से अनुरोध बा कि उपेंद्र यादव को भी कम से कम यहाँ आप लोग बिठाइए कि हम लोग और मजबूत हो जाए। एगो शक्ति और एगो शक्ति मिली तो महाशक्ति बनी कि ना बनी? आ अगर उस शक्ति एगो शक्ति के डैमेज करे के चाहता तो पूछ जाए जो विदेशी दलाल हो तो सब पूछो ना। सब कोई के हम ये बात कहे के चाह रहे, यादव और बिना यादव का फेरा में पर लगे जरूरी नहीं के मधेशवाद और विचारवाद के लड़ाई। अपने लोगन मूल्यांकन करी जे अपना दरवाजा पर हमनिये कहनी जो दुश्मन के भी ऊंच पीढ़ा दे के बैठावल जाला, जबकि हमनी का एगो इहो बात हिंदू में आ चाहे कुरान में सीखले बाबी सर कि अतिथि देवो भव। ये 12 जिला में जो अतिथि आयल बा हमरा रउआ चेहरा के विदेश तक ले चिन्हौले, ओइसन चेहरा के वोट ना दिया केकरा के वोट दिया? आखिर वोट के नऊ देख के बीत देला से फायदा का हुई? सिक्के राव जी में अगर विचार रही अब विद्वान रहता ना डॉक्टर रहतन तो बाजू ये कहतन जे काठमांडू के सदन में मैं तो आ गया हूँ लेकिन हमारे जैसे और हमसे भी आगे अनुभव मैंने उपेंद्र यादव जी जैसा व्यक्ति भी सदन में होने चाहिए, ना कि यहाँ आके वोट दो अपन पार्टी लड़ो। यही से डॉक्टरी कर लेला से चाहे पढ़ाई कर लेला से राजनीति कई संभव नहीं थे। ये बात के समझी लोग अपने लोग अगर एगो सिक्के राउत जी मान लीजिए सदन में बोला तरन मधेश के बाद तो हल्का पड़ तरन। मधेशियों का राष्ट्र में ही नहीं देश में ही नहीं विदेशों में भी एक पहचान। इसके साथ साथ आज उसी आंदोलन के वजह से दलितों का आज हर क्षेत्र में आरक्षण होना, संसद से लेकर नीचे महिलाओं का आरक्षण होना, 33% महिला तो हर जगह बात रही। उसी तरह से मधेशियों का आरक्षण, मुस्लिमों का आरक्षण, थारू के आरक्षण, सरकारी यूनिवर्सिटी सिर्फ राजनीति में नहीं सरकारी सेवाओं में वो जो है गांव-गांव के गरीबों तक पहुँचा, इसकी उपलब्धियों को संस्थागत करते हुए चेतक और अब इसके ऊपर प्रहार हो रहा है, इसको फिर से छीनने का उलटने का साजिश हो रहा है। जैसे 7 साल के क्रांति नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में, नेपाली कांग्रेस ने जनता का आंदोलन भी किया और हथियार भी उठाए, तो वो राणाशाही का खत्म। लेकिन राणाशाही का खत्म होने के बाद जो छोटी सी जो अधिकार लोगों को कुछ मिली उसे उलटने का खेल संघ साथ साथ ही शुरू हुआ और 2017 साल आते आते 7 साल की उपलब्धियों को समाप्त कर दिया और करीब करीब 30 साल तक वो लोग अंधेरे में, लोकतंत्र के अभाव, प्रेस स्वतंत्रता का अभाव, बोलने का हक नहीं, इस तरह से रहना पड़ा। फिर हम लोगों ने 42 साल 46 साल कई आंदोलन हुई और उन आंदोलन से फिर बहुदलीय व्यवस्था आया, आते ही क्या हुआ फिर से उसको उलटने की कोशिश की गई और होते होते जा कर के राजशाही जो है वह मजबूत हो और लोगों का अधिकार खत्म। अभी फिर यही साजिश हो रहा है। ये साजिश कहाँ से हो रहा है? दो तरफ से हो रहा है।
एक तरफ जो गणतंत्र विरोधी ताकतें हैं, संघीयता विरोधी हैं, जो समावेशिता नहीं चाहता, एकल जातीय वर्चस्व को चाहता, वो ताकत ये देख रहा है वो लोग उस लोग कि ये संघीय गणतंत्र होने से तो धीरे धीरे जनता मजबूत होते आ रहा है और अपनी जो पुरानी सत्ता शक्ति थी वो तो चला गया, अब उसे लौटाने का साजिश कर। तो उस साजिश में हमने देखा कि दो तीन शक्तियाँ एक जगह रही। एक देखे हमने एमाले को, एमाले ने क्या किया, तो अब यार आपने देखा होगा कि लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए संविधान का उल्लंघन करते हुए संसद को दो दो बार भंग किया और संसद को भंग करके सारा सत्ता कब्जा करके निरंकुशता की ओर ले जाने के प्रयास एक ओर कर रहा, दूसरी ओर उसने वहाँ जो पुरानी व्यवस्था को लाना हुआ, जिस जनता ने जिस शक्ति को सत्ता च्युत कर दिया उसको वहाँ मेची पुल में खड़ा करके कहा चलो अभियान चलाओ हम साथ में हैं। उन्हीं के साथ के लोग हिमालय के ही केंद्रीय नेता रहे हैं दुर्गा प्रसाद, उसके नेतृत्व में आओ राजा आओ देश बचाओ। भाई 250-300 वर्ष तो राजतंत्र ही था ना, क्या हुआ, ये गरीबी बेरोजगारी उन्हीं का देन है ना, ये भेदभाव असमानता जो 250 वर्ष शासन किया उसी का देन है ना, नहीं है वैसे मधेसी को तो मधेसी भी नहीं, मरसिया क्या 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 कहने वाला, तो वही व्यवस्था रहा, तो फिर आकर के क्या करेगा। इस तरह से कई ओर से जो परिवर्तन हुआ है, लोकतंत्र है गणतंत्र है, इसके ऊपर प्रहार हो रहा है। तो इसलिए आज की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र को हम बचाएं और संस्थागत करें एक तरफ, दूसरी तरफ की आवश्यकता है कि अब हमें आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना। राजनीतिक विकास और परिवर्तन तो हुआ लेकिन गांव में विकास नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत हुआ है, नहीं हुआ तो बात नहीं है, अभी गांव में थोड़ा रहा है, लेकिन दुनिया बहुत आगे चला गया, हम लोग बहुत धीमे ही से चल रहे हैं। इसे गति दे करके गांव के विकास को आगे बढ़ाना, गांव का विकास का अर्थ होता है गांव में रहते कौन लोग, किसान लोग, तो किसान का विकास ही तो देश का विकास है, यानी कृषि का विकास, तो कृषि में मल खाद और सिंचाई का प्रबंध करनी है। सिंचाई और खाद हो जाए तो किसान, इतनी अच्छी जमीन तो दुनिया में कहीं नहीं है, क्या से क्या बन जाए, तो उस ओर अब लगना है। परिवर्तन को बर्बाद करना चाहता है और जातिवाद का जहर, हम लोग चाहते हैं कि सभी जाति बराबर है, सबका तरक्की समान रूप से हो, तब न मधेश आंदोलन में हमने दलितों को आरक्षण दिलाया, महिलाओं को आरक्षण दिलाया हर क्षेत्र में, है ना, और तो नहीं ये लोग तो नहीं दिलाया, तो क्या है कि वो जो आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था कानूनी व्यवस्था है अब इसको थोड़ा बढ़ा करके सबको आगे बढ़ाया जाए, ये कहते हैं हम लोग, और भेदभाव को मिटाया जाए। लेकिन दूसरे आते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये फलाना जात जो है ना उसे लड़ाई करो, वो फलाना जात है ना ये इसे लड़ो, तो क्या फलाना जात फलाने जात से लड़ करके खेत में सिंचाई होगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, स्वास्थ्य का इलाज होगा, होगा क्या, आपस में बटेगा, कलह में फंस जाएगा और जो पाया है वह भी चला जाएगा, यह भी एक तरह का इस व्यवस्था को खत्म करने का साजिश ही है। अब रही आवश्यकता इन, अब इनकी आवश्यकता है कि जो पाए हैं उसको बचाओ, गांव के विकास को आगे बढ़ाना है और अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई और बेरोजगारी की समाधान को ढूंढना आज की आवश्यकता ये है। और इसी संदर्भ में इस निर्वाचन में जो हैं हम लोग 5 पार्टियां एक हैं, हम 5ों पार्टी के उम्मीदवार, वैसे आप सब उम्मीदवार हैं क्योंकि ये लड़ाई तो आपकी लड़ाई है ना, हमारी भी है लेकिन आपकी भी लड़ाई है, गरीबी को दूर करना किसकी लड़ाई, हम सबकी है, खेतों में सिंचाई हो ये लड़ाई किसी सबकी है, स्कूल में अच्छी शिक्षा हो ये सबकी लड़ाई है, अस्पताल में अच्छे उपचार हो यह सबकी लड़ाई है, तो जब सबकी लड़ाई है तो हम सब मिलकर आगे बढ़ने के लिए ही 5 दल का गठबंधन बना है।
और पांचों दल के साझा उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत है। सभी पार्टी आज एक होके आए हैं और आप लोगों की एकता और समर्थन से इस प्रदेश को, इस जिला को, इस क्षेत्र को बनाने का कार्य प्रारंभ होगा। इसमें सहयोग करने के लिए हम यहाँ आए हैं।